हेलो पीपल, वेलकम बैक टू ब्रिचा ब्लॉग। और आज हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं ससुराल में। यस, तो ससुराल से शायद ये मेरा पहला ब्लॉग जाने वाला है। अभी तक जितने भी ब्लॉग्स थे वो मायके से बने थे, ये ससुराल में पहला ब्लॉग जाएगा। और मैं अभी फ़िलहाल नहा के आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे बनाना है खाना, क्योंकि डैडी जी को जाना है। और दूसरी बात, आज मुझे बहुत लेट हो गया है, तो मैं मुश्किल है खाना बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ डैडी जी को पोहा बना के दे दूँगी, और उसके बाद मैं फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि डैडी जी को निकलना है। और अगर खाना बनाने का वेट करूँगी तो उनको देर हो जाएगा, वो खाएंगे भी नहीं, चले जाएंगे। तो चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आपसे किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और हम लोग बना रहे हैं कढ़ी। तो कढ़ी बना रहे हैं और आलू क्यों डाला हुआ है आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो मम्मी ने बोला कि सूतक चल रहा है तो पकौड़े नहीं छानना है, इसलिए तेल में आलू को काट के डाल दो और उसी में जब वो आलू पक जाए एकदम रेड रेड हो जाए तो उसी में मसाला डालकर कढ़ी बना लेना, क्योंकि खाली कढ़ी तो बनती नहीं। तो ये हो गया मसाला रेडी और अब हो जाएगी कढ़ी हमारी तैयार, क्योंकि बस अब बेसन बेसन डालना है, मसाला पक चुका है। और उसके बाद अब मैं लगाने जा रही हूँ आटा, और कढ़ी बन चुकी है, चावल चढ़ा हुआ है कुकर में, और मैं नीचे ही खाना बनाती हूँ क्योंकि मेरी भाभी भी बनाती हैं तो वो भी नीचे ही बनाती हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं अब। और ये लगा रही हूँ मैं आटा, एक हाथ से थोड़ी मुश्किल हो रही थी, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था मैंने इसलिए। और ये हो गया हमारा आटा रेडी, मतलब डो जो होता है वो तैयार हो गया है। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं रोटी, क्योंकि बस रोटी रह गई है, बाकी खाना तो बन ही गया है, तो रोटी रोटी बनानी है। खाना हो गया है रेडी और अब मैं खाना लेके जा रही हूँ ऊपर खाना खाने के लिए, क्योंकि मम्मी अभी सफाई कर रही हैं तो वो अभी फ्री नहीं है, और भाभी लोग खुद ही खा लेती हैं निकाल के, और अभी वो भी शायद कपड़े धुल रही हैं। तो मैं जा रही हूँ खाने, ये खा चुके हैं, अब बस मैं ही बची हूँ, तो मैं अभी जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और ये कर रहे हैं किसी से फ़ोन पे बात। तो हम लोग कर लेते हैं लंच, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो रहा है, मुझे नीचे वापस जाना है, काम भी करना है। तो पहले हम लोग करते हैं लंच। ओके, तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, फ्री हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने। मैंने अपने कपड़े धुल लिए थे, एक्चुअली डैडी जी के कपड़े हैं, जो वैसे तो मैं कभी नहीं धुलती हूँ, लेकिन आज मम्मी ने कहा है कि धुल दो, क्योंकि मम्मी सफाई कर रही है, तो मैंने कहा ओके मैं धुल देती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ धुलने। तो पहले मैं ये वाले कपड़े फैला हूँ, क्योंकि जो मैंने सुबह धुले थे मेरे वो अभी भी रखे हैं, क्योंकि मैं सुबह से टाइम नहीं मिला था मुझे। मैं इसको छत पर डाल पाती हूँ, फिर उसको धुलूंगी।
तो कपड़े धुल गए हैं, अब मैं जाऊंगी ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। इतनी तेज़ धूप थी कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं इतना लेट यूजुअली करती नहीं हूँ, लेकिन दोपहर में ये कपड़े ज़रूरी थे थोड़ा धुलना, इसलिए धुलना पड़ा। नहीं तो मैं इस टाइम यहाँ पे तो कभी नहीं धुलती हूँ, मैं बाथरूम में ही धुल लेती हूँ। बहुत तेज़ धूप थी सच, तो इनके ना आने का टाइम अब हुआ है। सोचिए मैं जा रही हूँ अब कपड़े फैलाऊँ ऊपर। तो गईज कपड़े धुल गए हैं, खाना वाना हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नीचे वापस, क्योंकि मम्मी जो हैं वो सुबह से सफाई में लगी हुई हैं और मैं अभी तक उनके साथ कोई हेल्प नहीं करा पाई हूँ, क्योंकि मैं ऊपर थी और खाना वाना पहले तो नीचे बना रही थी, फिर खाना खाया, उसके बाद में मैं कपड़े धुल रही थी। तो अब मैं, टाइम हो गया है मेरा, मतलब मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो फिर नीचे मिलते हैं आपसे, मम्मी देखते हैं क्या कर रही हैं, और फिर मुझे लाइक कुछ काम बचा हो तो एक्चुअली वो गुस्सा करेंगी क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे ऊपर, और मैं लिटरली काम ही कर रही थी, मैं बैठी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है कि वो काम कर रही हैं अकेले तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब चलते 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 नीचे। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि क्या करना है काम मुझे अभी, क्योंकि मम्मी सब कर ही चुकी थी लगभग नीचे वाला। तो फिर मम्मी ने बोला कि अब जो भी होगा पेंट वेंट वाला वो कल होगा, बस अब वाला कमरा शायद धुलने के लिए बाकी है। तो वही कह रही थी कि मैं अब जा रही हूँ नहा वहाँ के खाना खाने के लिए, अगर तुमको करना है कुछ तो तुम वाला कमरा धुल दो अगर धुलना है तो। तो भाई मेरे और मम्मी के बीच में कुछ बातें हो रही थी ऐसी हंसी मजाक वाली। फिर मैंने बोला कि ठीक है अच्छा मैं धुल देती हूँ। ये महक क्या कर रहे हो? मम्मी ने ये पेंट किया था साफ करके, तो मम्मी सुबह से लगी हुई थी, 1 बजे है, तो मम्मी ने खाना धुलाई कर। अभी तक नीचे कर रहे थे तुम ऊपर आगे करते करते। अच्छा बड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा है, क्या बात, बड़ा साफ कर दिए हो, वाह नाइस। तो गाइस जो क्लीनिंग थी वो डन हो गई है, और सुबह से ही हम लोग लगे हुए थे मम्मी वाला कराने के बाद, और अब यहाँ का पूरा हटाया, यहाँ का उस कमरे का खिड़की का पर्दा खुला हुआ है आप देख रहे होंगे, पूरा हटाया, और उसके बाद में फिर पूरा सब धूल वूल झाड़ी ऊपर से, पूरा एक चीज़ तो रह गई, ये ऊपर वाला ये तो रह ही गया जहाँ ये मटका रखा हुआ है। कोई बात नहीं, अब उतना छूट जाने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया वैसे भी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट, ये देखिए ये वो वाला रूम था सोफे वाला, पूरा खाली कर दिया था, ट्रंक हम लोगों ने नहीं हटाया था क्योंकि वो बहुत हैवी है, उसके अंदर बहुत सारा सामान है। और ये वॉशिंग मशीन वहाँ हम लोगों ने अभी शिफ्ट कर दी फ़िलहाल, और ये बाथरूम के बाहर का एरिया पूरा वॉशिंग मशीन की वजह से कितना भरा हुआ लगता है, लेकिन ऐसे देखो तो बहुत बड़ा एरिया है। ये देखिए मैं होम टूर करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और ये पूरा मैंने धुल दिया है, ये पोछा अभी मैंने लगाया है तो वही रखा हुआ है। और ये यहाँ का बेडरूम की हालत देखिए, चादर वादर हम लोगों ने हटा दिया था क्योंकि ऊपर साफ कर रहे थे तो जो भी धूल होता वो चादर पे आता है, इसलिए चादर हम लोगों ने हटा के उस कमरे में रख दिया था। अभी मैं यहाँ लेके आई हूँ जब उधर वॉश हो गया है तब। तो ये हो गया है पूरा क्लीन, ये मेरे कपड़े हैं, मुझे अभी नहाना है, मैंने सुबह से नहाया नहीं है। तो बस किचन में आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने जब सेट किया है आज, देखिए सब खाली हो गया एकदम, जितना भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे था हम लोगों ने सब बेड के अंदर और बक्से के अंदर डाल दिया है। तो अब बस यहाँ पे खाने पीने का सामान हम लोगों का रखा हुआ है, इन डिब्बे में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं और बाकी टॉफ़ीज़ वगैरह हैं, और बाकी ये एक सेट मैंने बाहर रखा है कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो बस। और हमारे कप्स दोनों दोनों, इसमें हमारी फ़ोटो है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरी है, ये इनकी और मेरी साथ में, और फिर ये इनकी, तो ये बहुत स्पेशल है,
ये मैंने इनको गिफ्ट किया था, ये मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत सारा करते हैं। ये भी मैंने इनको गिफ्ट किया था, ये मग। इसके साथ एक स्पून भी था, वो टूट गया, और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था इसलिए मैंने निकाल लिया। एकदम छोटू सा है मेरे हाथ के बराबर, तो मैंने इसको निकाल लिया। मैंने कहा क्या क्या करूँगी यहाँ पे, ऊपर तो कुछ काम होता नहीं है, मैंने बोला बस रखा रहना रो। तो ये हो गया किचन का एरिया कवर। ये कितना गंदा था ये पता है ना, मैंने ना इसको ऐसे 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 रगड़ रगड़ के साफ किया है। चलो फिलहाल सूटकेस वगैरह नीचे सेट कर दिए हैं। ये नहीं आता यार, इसके नीचे पड़ा है, हाइट ज़्यादा है इसकी। और अब हम लोग मिलते हैं व्लॉग व्लॉग में ही, मतलब सामान पूरा सेट कर लें उसके बाद, ठीक है? फिर सामान सेट कर लें, ओके। फिर आ जाइए, आपको दिखाते हैं कि सेट करने के बाद कमरा कैसा हो गया है। यार सफाई के बाद ना कमरे की रौनक ही अलग हो गई है। ये चेयर पढ़ने के लिए रखी है यहाँ पे, थोड़ा कंफर्टेबल रहती है। और ये देखिए पूरा कमरा, जो चीज़ जहाँ थी वहीं सेट की है, क्योंकि अभी और कुछ चेंज करने के लिए हमारे पास ना टाइम नहीं है और ना ही जगह है अभी फ़िलहाल। तो ये वॉशिंग मशीन बस हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है उसकी जगह, उसको हम लोगों ने कमरे और बाथरूम के बीच में जो पिलर है उसके बीचों बीच रख दिया है, तो हम लोगों को दोनों साइड काफ़ी अच्छी जगह मिल जा रही है। और ड्रेन जो वाटर ड्रेन करना होता है वॉशिंग मशीन से, उसके भी हेल्प मिल जा रही है। और यार यहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है? तो ये तो हो गई थी रात, और थोड़ा सा काम बचा था मेरा, तो मैं सीढ़ियों को पेंट कर रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिन जैसे यूज़ कर लो तो उसका जो सीढ़ी होती है वो सब गंदी हो जाती है, उसका पेंट जो होता है वो गंदा हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी सासू मॉम जो है वो हमेशा पेंट करती हैं, तो अभी वो नहीं थी घर में इसीलिए फिर मैंने ये ज़िम्मा उठाया था अपने सर पर। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है यार, पेंट करने के बाद मज़ा आ गया था। पता है ये सारे कलर्स घर में ही रखे हुए थे, बस मैंने ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना के पेंट कर दिया, बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में यार। हम लोगों ने क्लीनिंग कर ली है, सारा सामान सेट कर दिया है, थक के हालत ख़राब हो गई है। और ये 2 दिन का मर्ज वीडियो है एक्चुअली, और क्योंकि एक दिन में इतना सारा काम तो पॉसिबल होता नहीं है, 2 दिन का मर्ज वीडियो है। और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा हम लोगों की मेहनत देख के। यार सच में यार फेस्टिवल में जितना मज़ा आता है ना उतनी सज़ा हो जाती है। अभी तक तो मेरे घर पे तो दिवाली पे इतनी बम्पर वाली वो हुआ करती थी क्लीनिंग, लेकिन यहाँ पे होली पे भी होती है। और मतलब मम्मी बता रही थी कि सारे फेस्टिवल्स पे वो ऐसे ही क्लीन करती है एक एक चीज़ घर की, तो मेरी तो बैंड बजने वाली है अब। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और अब हम लोग करेंगे क्या, ब्लॉग को एंड, और आप लोग करिए नेक्स्ट ब्लॉग का वेट। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। एक बार बताइए आप लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब क्यों कर देते हैं, क्यों करते हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? अरे यार सपोर्ट करो अच्छे से, ये तो कोई बात नहीं होती। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके? बने रहिए ब्रिचा के साथ, बाय बाय।